दोस्तों शायद आज के दिन कोई ही ऐसा होगा जो अपनी प्राइवेसी को लीक करना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी लीक हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप पर जो आपको प्ले स्टोर पर मिलती है उसमें फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। फिंगरप्रिंट बोले तो दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो उसी तरह आपकी व्हाट्सएप भी हो जाएगी। जब तक उसमें आपकी फिंगर टच नहीं होगी वो आपकी व्हाट्सएप लॉक रहेगी, वो अनलॉक नहीं होगी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं पता, वो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं कि प्राइवेसी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो क्योंकि आपकी प्राइवेसी कल को पता क्या हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप जो आपको प्ले स्टोर पर मिलती है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी है, आपको एफएम व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी है, आपको गोल्ड व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप जो आपको प्ले स्टोर पर मिलती है उस फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में चलकर। उससे पहले कर दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले चले जाना है आपको अपनी व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर जाने के बाद देखो दोस्तों यहां पे सिंपली ये मेरी व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है अकाउंट पर। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पर। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है नीचे और देखो दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है फिंगरप्रिंट लॉक, ये है अभी डिसेबल। जैसे मैं फिंगरप्रिंट लॉक पर क्लिक करूंगा तो देखो दोस्तों यहां पे बोल रहा है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, ये है अभी ऑफ। इसको मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि यहाँ पे अपनी फिंगर को टच कर दो, मतलब अपनी फिंगर को यहाँ पे रजिस्टर कर दो। तो देखो दोस्तों मेरी हो चुकी है फिंगर रजिस्टर, ये बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट का मतलब ये है कि दोस्तों 30 मिनट बाद मेरी व्हाट्सएप ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, और 1 मिनट ये है कि दोस्तों 1 मिनट बाद मेरी व्हाट्सएप ऑटो लॉक हो जाएगी, और इमीडिएटली मतलब दोस्तों अभी के अभी मेरी व्हाट्सएप लॉक हो जाएगी। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे होम पे गया और जैसे ही मैंने दोबारा ओपन की तभी के तभी मेरी व्हाट्सएप लॉक हो गई है। यदि मैं यहाँ पे मेरी गलत फिंगर को यूज़ करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज, तो देख सिर्फ अपनी फिंगर के साथ ही ओपन कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी ओरिजिनल फिंगर जो यहाँ पे रजिस्टर की थी उसको टच किया तभी के तभी मेरी व्हाट्सएप खुली, वरना मेरी व्हाट्सएप नहीं खुली। दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कभी भी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो क्योंकि दोस्तों प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, आपकी प्राइवेसी या किसी की प्राइवेसी हो सकती है। यदि दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप जो आपको प्ले स्टोर मिलती है उसमें फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाओगे, अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों छोटी ही वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे फ्रेंड के साथ, साथ में कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।